ये है एक रॉक स्टार और नाम है इसका विवेक। ये एक ऐसा रॉक स्टार है जिसकी राह में रॉक्स यानी पत्थर ही पत्थर हैं और स्टार इसका साथ नहीं देते क्योंकि ये अपने विवेक से काम नहीं लेता। इंतजार किस बात का है, लेट्स रॉक। जब कोई पैदा होता है तो उसके परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, पर अगर वही गरीब घर में पैदा हुआ तो वो उसके लिए श्राप बन जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है इस बेचारे की। 14 42 14 56 14 97 14 98 14 98 बच्चू भाई, तेरे को बुलाया तो आने को नहीं होता क्या? मैं आ रहा हूँ बाबू। अगली दिवाली में आएगा? लगता है उधारी चुकाने का तेरा इरादा नहीं है। सूद लेकर जल्दी पहुंच, नहीं तो बच्चू भाई छोड़ेगा नहीं। असल तो दे दिया है ना। मच नहीं पद्मा, जो भी कहना है वो मेरे को बोल के कोई फायदा नहीं। बच्चू भाई से जाके बोल। अबे ओ पिचके नींबू, अगर तू सूद लेकर वहां नहीं पहुंचा ना तो बच्चू भाई को कच्चे नींबू से भी रस निकालना अच्छी तरह से आता है। आ जा आ जा, बहुत दिन बाद आया। तो यही रुकना, इस बार अपने लिए नहीं आया जमीला। अरे बताना सरो चाहिए। सुना, दिखता है टीवी का मरीज लेकिन सरोज ही चाहिए। आंख में सरोज, सांस में सरोज, खांसता है तो भी सरोज, ना खाता है ना पीता है। चड्डी पहनने की उम्र गुजरी नहीं, पैंट पहन के इधर आ। हमारी लड़कियों का जलवा ऐसा ही है। बहस नहीं, सरोज चाहिए। तू जाएगी तो बच्चा डर जाएगा। थोड़ा कम कर दे। भावताव मत कर। बाकियों के लिए 10,000, सरोज के लिए 25,000, ये मेरा फिक्स रेट है। चल दिया। सरोज को बुला, लाने का। सरोज, सरोज मतलब कमल, और इसकी कमर भी कमल की डंठल की तरह है। ये खुद को किसी मशहूर आइटम गर्ल से कम नहीं समझती, बस बेचारी यहाँ फंस के रह गई। लेकिन ये चिड़िया किसी दिन हुर हो जाएगी। क्या है? अबे वो सिंगल पसली, ध्यान से सुन। जैसे सिगरेट पैकेट पे चेतावनी लिखी होती है फिर भी वो बिकती है, वैसे ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो बिजनेस है। मुंह लटका के क्यों बैठा है? तू यहां करने क्या आया था वैसे? कौन है? अरे मैं हूं कम्मो। गोटिया का फोन है, ये खत्म नहीं हुआ क्या? अभी शुरू ही काम हुआ है। हाँ बोल गोटिया। तेरी कमर, तेरे बदन और तेरे फिगर को देखकर शहर का हर लड़का दीवाना होता जा रहा है। एक मिनट होल्ड कर। ए, अपने कान बंद कर। हाँ बोल। 31st night को दो अमीर जादों के लिए तुझे 2,00,000 में फिक्स किया है। क्या बात है। नए साल में अब नया बिजनेस होगा, पैसा ही पैसा। तो इस जगह को खाली करना पड़ेगा क्या? नहीं तो क्या, वहाँ शादी मनाएगी। सामान बांध के आज रात को निकला। आज रात को ही निकलना है? और कहाँ, मुंबई मिलना है? तो जमीला को पूरी में बांध कर निकलने की सोच। ए, मेरी माँ शायद मुझे बुला रही है। लगता है बच्चा डर गया। सीधे माँ की गोदी में जाके सो जाएगा। ऐसे ही कस्टमर भगा देती। क्यों रे, डरा कर भगा दिया ना? पैसा तो मिल गया ना। तुझे क्या, उससे 25,000 लिए और मुझे दिए सिर्फ 5। तो क्या, 5,000 में मैं हड्डियाँ तोड़वाऊँ और 20,000 तो बैठे बैठे खाए? अरे वाह, बड़ा हिसाब किताब सीख गई है। तेरे पैसों की रोटी नहीं खाते हम। हाँ। बहुत से घरों के चूल्हे जलते हैं इससे। पुलिस के, दलालों के, गुंडों के, सबके घर का खर्चा चलाती हूँ मैं। है? मेरा थोबड़ा चलता है तभी सबका चूल्हा जलता है। थोबड़े पे इतना घमंड, 4 लौंडे आएंगे तेजाब फेंक कर चले जाएंगे। बाप का राज है। हाँ है। क्यों खाली फोकट में जबान लड़ाती है? अरे छोड़ ना, ये तो हटेली है, मैं समझाती हूँ इसे। समझा, इस घोड़ी चमड़ी पर जितना खर्चा किया सूद समेत निकालो। अरे जरा ठंडा ले, आज रात को तो हम जाने ही वाले हैं ना, फिर काय को लफड़ा। रहीमुद्दीन कुरैशी, 5 वक्त का नमाजी,
जिसने इसलिए तकलीफें झेली हैं क्योंकि वो मुसलमान है। उसका कहना है कि शायद ज्यादातर आतंकवादी मुस्लिम हो, पर हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। लाह, लाह, लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो वीजा के लिए कोशिश चल रही थी, वीजा मिल गया क्या? हाँ मिल गया, आज ही वहां जाकर पेपर्स कलेक्ट करना है। हकीम बाबा की दुआ है आपके साथ। जी शुक्रिया। ये लीजिए तबरुक। जज़ाकअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा जान नहीं चाहते कि हम यहां से जाएं। पर मैं यहां रुकना भी नहीं चाहता। जो बीत गई वो बात गई, अब क्या फायदा, हमें भूल जाना चाहिए। वो बात तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं भूल सकता। आज भी मेरे सहन में वो बात। ए राजू को घसीट के ला रहे हैं यहाँ पे। ए मुन्ना तू उस तरफ जा। क्या बोल राजू, दिखा क्या? राजू को देखा? नहीं देखा। ये कल्लू है भाई। नमस्ते भाई। केबल का पैसा ये वसूल करता है भाई। केबल मेरा, पैसे मेरे, कहाँ है रे पैसे? वो क्या है ना, कोई दिया नहीं भाई। कमीने साले, मेरा पैसा हजम करना चाहता है। बोल साले कहाँ है राजू, पब्लिक का पैसा लेकर अपनी जेब में डालता है। ऐसा मत करो भाई। पैसा मैं तेरी चमड़ी उखेड़ कर निकालेगा। कहाँ है राजू बोल। ओए गंजे, राजू वहाँ छत पे बैठा है। ए राजू नीचे आ। नाम है राजू, केबल राजू, काम है लड़कियों से कनेक्शन लगाना। आ गया साला वाटला। पर ये जानता नहीं कि ऐसे कनेक्शन जब फ्यूज होते हैं तो क्या होता है। भाई कैसे हो, 100 साल जियोगे, मैं आपको फोन लगाने ही वाला था। ए फोन लगाना बात है, अब मैं तेरा कनेक्शन काटेगा। आप क्यों है, मेरे को बोल दे मैं खुद आ जाता। देखो अभी नाटक कर रहा है साला। ये साला बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। अभी मैं तेरे फोन के खर्चे से अपना पैसा वसूल करेगा, देखो। अरे चुप भाई। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, इसको छोड़ दो ना, ऐसी कोई गलती नहीं है भाई, मर जाएगा। पैसा कब दे रहा है बोल। अरे पैसे क्यों नहीं देता? अबे चुप, भूतनी के पैसे होते तो भागता क्या? क्या बकवास कर रहा है भाई, भाई प्लीज। अगर तू मेरा 10,000 नहीं देगा तो मैं इसकी 10 उंगलियां निकाल देगा। अगर उंगलियां निकालोगे तो ये काम कैसे करेगा भाई? छोड़ो छोड़ो बोल रहा हूं ना भाई, छोड़ दो इसको। तेरी वजह से हुआ। अबे हट, बैंडेज लगा उस पर, कट ले यहाँ से। भाई प्लीज भाई माफ कर दो ना, हफ्ते भर में चुका दूंगा। अपने चक्कर को रोको ना। पकड़ो साले को। सलर उसका नया नाटक। संभल कर यार, गिर जाएगा। भाई 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 प्लीज माफ कर दो भाई, भाई भाई अगले हफ्ते दे दूंगा भाई, प्रॉमिस करता हूं। कार मरोड़ता है, हां पकड़ो इसे। भाई माफ कर दो ना भाई, जानबूझकर नहीं किया भाई, शाम को दारू के आदमी में खाते रहते हो। पकड़ो इसको। मत पकड़ो भाई, बात कर लिए तू। केबल वाले, टीवी ठीक नहीं चल रहा है। तुमने जो नोट दिया था वो भी मार्केट में नहीं चलता, नकली था। ये गुल्लू कहाँ गया? केबल के पैसे कब देगा वो? अगले महीने दे दूंगी। हाँ तो टीवी भी अगले महीने देखना। थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते क्या? ए मेरा मोबाइल, देख हाथ मत लगाना। POJA पूछ। ओ पूजा, तेरी आइटम है। देख तो मस्तान भाई के पैसे तू लौंडिया पे उड़ाता है। लास्ट वार्निंग। मैं तो उठाएगा, मैं उठा रहा हूँ। फोन मत उठाना। तब तो उठाऊंगा। वो लड़की मेरी लाइफ है। क्या करेगा? हेलो। हाय बेबी। कुड यू होल्ड द लाइन प्लीज? ओके। एक लफड़ा ऊपर से और एक लफड़ा। तो मैं ऊपर से मारती हूँ। या बेबी सॉरी, टेल मी। क्या कर रहे हो? जॉगिंग। ओके, पार्टी के लिए आ रहे हो ना? या ऑफ कोर्स। मैं निकल रही हूँ। मिसिंग यू। मिस यू टू। सच कह रहे हो ना? बेबी मेरा ट्रेनर बुला रहा है, आई विल कॉल यू बैक। इसे क्या समझाओ, मेरा ट्रेनर मेरी जान के पीछे पड़ा है।
दिए छोड़ छोड़। छोकरा पकड़ में आया कि नहीं? उसकी मोटरसाइकिल मिली भाई। खत्म कर दो साले को। मिलते ही खत्म कर देंगे। चलो बाइक तो मिली, ये चल रहे से। मेरी बाइक भी ले गया मोटा साला। ए डेविड डेविड डेविड, रुकना रुकना रुकना, तेरी बाइक देने यार। पिछली बार तूने टंकी खाली कर दी थी, इस बार टंकी फुल करके लाऊंगा तेरी कसम। नाटक छोड़, बड़े कहते हैं अपनी तीन चीज किसी को नहीं देनी चाहिए, बाइक, बीवी और चश्मा। चल भाई, चश्मा छोड़, देख लूंगा तुझे। अबे जा जा, कोई ट्रक आके उड़ा के जाएगा ना तो पता चलेगा। चश्मा अच्छा है। पक्के उधर मत जा, राजू बाइक मांगेगा। ए पक्या रे, पक्या 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 पक्या, एक मिनट रुक यार। पक्या बाइक है ना, पक्या कोई काला कुत्ता काटेगा तुझे। साले पता नहीं क्यों मुझे देखकर भागते हैं फट्टू। फट्टू ये लोग नहीं, वो तो तू है। अच्छा, और तू? उंगली मत किया कर। राजू मैं बाहर जा रहा हूँ, गाड़ी मस्तान भाई के घर पहुंचा दे। क्या भाई के घर? आपका हुक्म सराखों पर। ए संभाल के भाई, अभी अभी सर्विसिंग कराई है। अब ये मेरी है, तू पीछे हट। अमावस्या के चांद। ए सुन भाई की बाइक है, कोई फालतूगिरी मत करना वरना उंगली की जगह कुछ और काट देगा। शून्य 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 कट गए, 50 दुना 100 और 100 को गुना करे 10 से तो हुआ 1000। सर हिसाब हो गया सर। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखा कितनी आसानी से इसने कर दिया। अब छठा सवाल, उसे कौन करेगा? मैं करूंगा सर। और कोई नहीं करेगा? तुम सब गधे हो, सिर्फ मुफ्त का खाना खाने आते हो। ओए तुम में से राम बाबू का पोता कौन है? ए तू ही है ना, चल मेरे साथ। ए कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? ए चुपचाप अपना काम कर, हम लोग बच्चू भाई के आदमी हैं, वोट डालेंगे। सर ए चुप बैठ, चल। जल्दी जल्दी कर, माल शाम तक पहुंचाना है। भाई राम बाबू आ गया। क्या हो रहा है राम बाबू, बड़े गुस्से में लग रहा है, मारने आया क्या मेरे को? हाँ बात क्या है? क्या मेरी उम्र तुम सबसे लड़ने की है? अबे बुड्ढे तेरी भी जवान फड़फड़ाने लगी है, पैसा लाया है ना, उधारी कब पूरी करेगा? खाता ला रे। बच्चू भाई असल तो मैंने पूरा चुका दिया है, अब सिर्फ सूद चुकाना बाकी है, वो भी अब 10-20 ही होंगे, 6 महीने में चुका दूंगा बाबू। अच्छा 10-20 रुपए नहीं है तेरे? पूरे 50,000 बाकी हैं। खाता देख ले खाता। बाबू मैं बहुत मजबूर हूँ। तेरी मजबूरी शानू, देख तेरी माँ आई है। माँ 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 मेरा बच्चा शानू, मेरा बच्चा, तूने खाना वाना खाया? कैसी हालत हो गई है तेरी? तू जो इस हाल में है उसके जिम्मेदार हम हैं बेटा। इतना छोटा बच्चा उधार कैसे चुका पाएगा? इसे छोड़ दीजिए बच्चे भाई। तो फिर मेरा उधार कौन चुकाएगा? मैंने कहा ना 6 महीने में चुका दूंगा। ये साल और महीना भूल जा, 31 तारीख तक का टाइम देता हूँ तुझे, तब तक ये यही काम करेगा। उसके बाद अगर तूने उधार नहीं चुकाया तो तेरे लौंडे को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, जिंदगी भर ये यही काम करेगा, समझा? ये पढ़ता है बच्चे भाई, इसकी पढ़ाई रुक जाएगी, इसे छोड़ दीजिए। तो तू ही आ जा। लेके चल इसको। छोड़ दे, सुन, पत्थर पे सिर टकराने से कोई फायदा नहीं, इनका पैसा चुकाने के बाद ही हमें हमारा बच्चा मिलेगा। सी यू इन मुंबई। सी यू। विवेक गाना बहुत अच्छा था, किसने लिखा था? मेरे डैड ने। इट्स ब्यूटीफुल। आई नो बेब्स, या आई नो आई विल बी देयर। ए विवेक क्या हुआ? अब हम कॉलेज और पब में परफॉर्म करेंगे, लाइव शो करेंगे। व्हाट? वी मेड इट। हम अभी परफॉर्म करने मुंबई जा रहे हैं, बिग स्टेज, रियल क्राउड चारों तरफ। लेट्स रॉक इट डाउन। ये तुम्हारा सपना था ना? नहीं जिंदगी। राजू 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 तेरा मदद करने है यार, राजू तेरा इसे उठाने में मदद करना। ये क्या डब्बा है? आदमी रखने का फ्रिज है। अरे लेकिन आदमी फ्रिज के अंदर क्यों रहेगा? मुर्दा रखते हैं इसमें। आधी हिल में एक आदमी मरा है, सिर्फ 2 दिन रखना है इसमें। अरे क्या यार, गरीब के पास जिंदा होता तब घर नहीं होता, और जरा इस अमीर आदमी के तेवर तो देखो, मरने के बाद भी कांच के महल में।
लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। चल रहे बढ़ आगे बढ़। जिंदगी हो तो ऊपर उठा अंदर ढके। पुराना है पुराना है पुराना है पुराना है। ये नया है। डुप्लीकेट है। कितने का? 100 रुपए। 50 देगा। थैंक यू सर। नाइस टी-शर्ट राज। Jesse, thanks. You know, it's from London. Hey, how are you? What's up, bro? I'll see you inside, okay? Take care. Let's rock. Hey, wow. Hey, what's up? Nice party. Yo. Hi. Hi. Hey, I'm so sorry. It's okay. I'm really sorry. हाथ तो मुझे बाहर निकालो। Yeah. Okay. Hey. मम्मी मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करती। पूजा देख तो ले। नहीं मुझे उससे नहीं मिलना है। You have to meet him. नहीं क्यों मिलना है? वो कनाडा से तुमसे मिलने आ रहा है। Wait, wait, एक मिनट रुको। मॉम मैं नहीं आ रही। He's a nice guy. कल पार्टी में पहुंचो, that's it. Oh God, I just hate this. मैं ही क्यों? यही होता है, कभी नहीं पूछते मुझसे। ए, हुआ क्या? कोई लड़का कनाडा से मुझे देखने आ रहा है। सिद्धार्थ, 5-स्टार होटल में न्यू ईयर पार्टी है, वहीं मुझे उससे मिलना है। मैं कुछ कर सकता हूँ? एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलो ना। What? हाँ, और मैं वहाँ तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। माई मॉम, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, एवरीवन। और अगर तुम्हारी मम्मी ने मुझे पसंद नहीं किया? ऐसा क्यों करेंगी वो? You are smart, इतने पढ़े लिखे हो, इतने अमीर हो, और क्या चाहिए? Correct. मॉम का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, मैं उन्हें convince कर लूंगी। फिर भी मना कर दिया तो? तो मैं announce कर दूंगी। क्या कहोगी? This is Raj, my boyfriend, और मुझे उससे शादी करनी है। उसके बाद? उसके बाद तुम तो फंस गए ना, मना भी करोगे तो भी शादी हो जाएगी। Okay, baby. जैसा तुम कहो। Listen, Raj, पार्टी के तो passes भी लाने होंगे। रिलैक्स, पासेस ही चाहिए ना। हरी अप, ओके? नहीं तो वहाँ पासेस खत्म हो जाएंगे। मैं ड्राइवर को अभी भेजता हूँ, ओके? मेरे लिए वीकेंड बहुत इम्पोर्टेंट है, पासेस जरूर ले आना। हे बेब, रिलैक्स, चिल। ओ बेबे। ओके, आई विल सेंड इट। गुड मॉर्निंग। मेरे डॉक्यूमेंट्स। मिस्टर कुरैशी, आपका वीजा रेडी है, आप थोड़ी देर वहां वेट कीजिए। ओके। Congratulations. आपने सही गेस किया है, जुड़वा बच्चे हैं। मुझे लड़का और लड़की दोनों ही चाहिए। ठीक है, ले लो। लड़की होगी तो उसका नाम जारा रखेंगे। जारा? जारा, जारा यानी अब्बा से प्यार करने वाली बेटी, मेरी बेटी। और बेटे के लिए? वो तुम जानो। फिर तो शाहरुख खान रखोगे उसका नाम? सचिन तेंदुलकर रख दो उसका नाम। No. या तो फिर कल्लन मिया रख देना उसका नाम। We'll be right back.
ऐसे ही बदमाश हो। ए, क्या बोला रे तू? तेरे को हम लोग बदमाश लगते हैं? ए, नीचे आ रहे? क्या हुआ? वो इन पे रंग डाल रहा है। रंग गिरा ना, कपड़े गंदे हो गए। ये गलत बात है ना? तो क्या, हम भगवान के लिए नाच गा रहे हैं और तू हमें बदमाश बोल रहा है? अरे रंग डाल रहा है, कोई जबरदस्ती है क्या? एक रे शाना बन रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ए, चल नीचे उतर के जाने दीजिए ना भाई साहब। अरे भाई देख, माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए। यार उधर आप लोग जाने दीजिए प्लीज। क्या क्या बोले? अरे प्लीज जाने दीजिए। अरे देख नहीं नहीं, अरे देख मैंने किया क्या? छोड़ दीजिए। सामने चल चल चल, क्यों मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? अरे सर ये अपने को गाली दे रहा था। अपन को बेवड़ा बोल रहा था, ये ऐसा थोड़ी होता है सर। इन्होंने मेरी बीवी पे रंग। कौन है तू? नाम क्या है तेरा? रहीमुद्दीन कुरैशी। दंगा करने आया था? नहीं सर, मैं तो सीधा। तुम लोग हो ही ऐसे। चल चल जा, भक्त हो तो पूजा करो, लफड़ा नहीं। चलो, तुम ही लोग भक्तों का नाम बदनाम करते फिरते हो। चला निकाले तुम, संभाल इसे। मिस्टर कुरैशी चाहिए? मिस्टर कुरैशी प्लीज कम। मिस्टर रहीमुद्दीन कुरैशी। यस सर। ये है आपका पासपोर्ट और वीजा। थैंक यू। और इस कॉपी पर साइन कर दीजिए प्लीज। ये लो। कब जा रहे हैं आप? न्यूयॉर्क को। कर्ज की वजह से हमारा बेटा पढ़ाई करने की बजाय बच्चू भाई की मजदूरी कर रहा है। ऐसा है? उसको पढ़ाने के लिए कर्जा चुकाना चाहती हो? ठीक है, यहीं पर रुको। हेलो, पोपट भाई बोल रहे हैं? पहचाना, मैं बोल रहा हूँ समीर तिवारी। बोलो। किडनी का केस है, ओ पॉजिटिव। तुम्हें चाहिए? अरे चाहिए क्या भैया, बहुत अर्जेंट है, जुगाड़ हो गया है। हम लोग 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ ठीक है कल सुबह उनको मुंबई पहुंचा देना, 80,000 रुपए दे दूंगा। 80,000 तू मुझे देना, उनसे मैं निपट लूंगा। हाँ ठीक है, कल ऑपरेशन है, 1,00,000 तैयार रखना, आओ चलते। बैठो बैठो। सुनो भैया, हमें वहाँ कब जाना होगा? तुम्हारा खून बहुत गंदा है, दाम कम मिले हैं। ऐसा ना कहीं, कुछ कीजिए ना, मेरा लड़का शानू पढ़ने में बहुत तेज है, उसे आगे बढ़ना है, कुछ कीजिए बाबू। हाँ पूछ कर देखता हूँ। हाँ सर, वो हमारे सगे वाले हैं, औरत है सर, पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ 40,000 देगा। ठीक है बाबू, मैं जाऊंगी। ओ तेरी तो, इतना बड़ा होटल, यहाँ कितने पैसे लगेंगे? छोटी सी पार्टी है, 2,000 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब कि 4,000 रुपए? चुप उल्लू चिल्ला मत, ये लोग हमको टपोरी समझेंगे, वो बंद रख अपना। सुना? हाँ दादा, अब से तुम्हारा ड्राइवर है समझा? इस बाइक का राजू भाई। भाई मत बोल सर, बोल। गॉगल में तो बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई। तू दूर रह मुझसे, ब्लडी ड्राइवर।
We have two tables at the corner. That's okay. That won't be a problem. Your table number is 30. इतना serious क्यों है? अमीर लोग serious ही रहते हैं. Any other assistance, please? We need wine also. हमारे देश में अमीर ऊपर से नीचे तक गोरे क्यों होते हैं? Okay. अबे ये. Enjoy the party, ma'am. ये तेरी तरह नहीं है. ये लोग रोज नहाते हैं. Good evening, sir. Hi. Could I have two New Year's passes, please? किसके नाम से, sir? Raj and Pooja. How much is it? For each one, 19,999. For couple, 39,998. Cash or card, sir? सिर्फ 2 रुपए कम 40,000 में. This is a premium party, sir. We have a large buffet, 100-year-old wine, imported scotch, and mouth-watering food, sir. टिकट की कीमत सुनकर मेरी फट गई. और मेरी तो सिल गई. अबे दाल चावल सब्जी और दारू के कोई 40,000 मांगता है? अबे इतना मत चिल्ला वरना लोग हमें टपोरी समझेंगे. भाई तू अपने आइटम से क्यों नहीं बोलता कि वो टिकट खरीद ले? अबे अगर मैंने उसे 2 बोला ना तो वो 20 टिकट खरीद लेगी, लेकिन मैंने टिकट लाने की कमिटमेंट दी है. अगर नहीं लाया तो ये नहीं होगा. क्यों ना ये बाइक. राजा भूल जा, मस्तान की बाइक है. शादी करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है. चल हट, हाथ हटा. क्या लाइफ है, एक नहीं दो नहीं 40,000 रुपए. पूरे नहीं चाहिए, 2 रुपए का डिस्काउंट है. इंस्पेक्टर साहब बड़े दिन बाद आए. तू क्या चाहती है, पुलिस स्टेशन यहीं खोल लूं? लगता है तेरी अकल घास चरने गई है. तेरी सरोज रोज रोज कटीली होती जा रही है. जरा भेज उसे. चल साहब, सरोज अब हाथ से निकल गई, मैं दूसरी देती हूँ ना. 4 नई मुर्गियाँ आई है, अभी बुलाती हूँ. कमो चंदा चंपा शनो. इन नई मुर्गियों को डब्बे में बंद कर, मुझे सिर्फ सरोज चाहिए फुल नाइट के लिए. कल से कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं आएगा, कोई हफ्ता भी नहीं लेगा. सर आपको मना करके कैसे रह पाऊंगी, चलिए आइए. ए मालिश करवा लेना मेरे. अरे हाथ हटा, सरोज रेडी होगी कि नहीं? मेरे को नहीं लगता कि फुल नाइट के लिए रेडी है तू. तेरे अंदर इतनी ताकत बची है क्या? इसी दिन पुलिस स्टेशन ले जाके अपनी ताकत दिखाऊंगा. अपनी ये हेकड़ी छोड़ और सुन, मेरे पास एक अमरीकी दवाई है, चाहिए तो बता ना. 2 बची है. ए चला जा से. हाँ, जरूरत पड़े तो आवाज देना. अरे वाह, तू तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है. अच्छा, पूरे शहर में मुझे फुर्तीला राजन बुलाते हैं, समझी? एक मिनट अभी आता हूँ, कहीं जाना मत. हाँ. बेड़ा गर्क हो तेरा. तू पूरी तरह तैयार है? कब से तैयार हूँ, जल्दी पी लो. अब तू देखना राजन की फुर्ती. अबे शेर. एक. कर रिटेक. ये 2. रेडी स्टडी पो. 3. तक धिना दिन धीन. 4. राजू डर मत, कल कुछ ना कुछ हो जाएगा. अपन वनटास की गोली लेता है. दिन भर कहाँ भटक रहा था? मस्तान के आदमी तुझे कब से ढूंढ रहे हैं? तूने उसकी बाइक बेच दी क्या? हाँ? वो मेरा गला घोंट देंगे अगर तूने गाड़ी वापस नहीं की. इतनी मुश्किल से तो अपनी जान बचाई, कल गाड़ी वापस करके आना. बहरे जवाब क्यों नहीं देता? उसने पैसे मांगे तो उसे वापस क्यों नहीं करता? पैसों का करता क्या है तू? माँ बाप मर गए और बोझ मुझ पे डाल गए, उस बोझ से मैं मर जाऊंगी. मैं काम कर करके थक गई हूँ, पर तेरी अय्याशी कम नहीं हो रही है. अरे मेरी मदद क्यों नहीं करता? अगर तुमने मदद नहीं की तो हमें पासेस नहीं मिल पाएंगे बेबी. तुम्हें मम्मी से मिलवाना बहुत जरूरी है वरना लेट हो जाएगा. कोई लड़का कनाडा से यहाँ आ रहा है, इट्स काइंड ऑफ लड़की दिखाई. अदरवाइज वो मेरी शादी किसी और से करा देंगे बेबी. और उससे पहले मैं तुम्हें मॉम से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. हे बेबी रिलैक्स, हम पार्टी में जाएंगे, तुम्हारी मॉम से मिलेंगे. ओके लेकिन पासेस का क्या? पासेस पूजा,
सिर्फ 40,000 ही तो चाहिए। 40,000? कितने पैसे क्यों चाहिए? पीना शुरू कर दिया क्या? और ये पूजा कौन है? हाँ, हमारी बस्ती की है क्या? बस्ती 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 में डूब जाएगी बुढ़िया। इसी बस्ती में तू मुझे दफन भी कर देगी। अरे जितनी बड़ी बस्ती है ना उतना उसका बंगला है। वो राजकुमारी है, वो लाल परी है। शक्ल देखिए अपनी आईने में। तू बस देखती जा ओल्ड वुमन, मैं एक महंगी कार में इस बस्ती में घूमता नजर आऊंगा। Thank you guys. Good night. Good night. Thank you, lady. कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, भूलना मत। नसीहत मत दो, जाके सो जाओ। तुम लेट मुर्गा हो। तुम ऑमलेट मुर्गी हो। लंगूर। बासी अंगूर। I hate you. I don't like you. Stupid. Same to you, baby. चलो रास्ता नापो। Get lost. Hi, mom. Hi. दिन कैसा था? अच्छा था। और आपका? Good. That's nice. मेजर कुलकर्णी ने फोन किया था, एप्लीकेशन फिल करके कल आके मिलने को कहा है। Not interested, mom. Not interested मतलब? मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता। तो फिर क्या करोगे? जवाब दो विवेक। What is your career plan? तुम्हारी लाइफ के बारे में क्या सोच रखा है तुमने? म्यूजिक ग्रुप स्टार्ट किया है, रॉक बैंड। क्या? होटल्स में, बार्स में तुम गिटार बजाओगे? हमारे खानदान में लोग आर्मी में, एयरफोर्स में थे। Mom, और तुम? मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें खुश हो। क्या खुश हो? तुम्हारे दादाजी ने आर्मी में सर्विस की थी, तुम्हारे डैड ने आर्मी में सर्विस की थी। यू नो व्हाट, तुम्हारे फादर आर्मी के हीरो थे। या आई नो, डैड की शहादत के बाद आर्मी को हीरो मिला, बट आई लॉस्ट माय डैड। सेल्फिश मत बनो। मैं सेल्फिश नहीं हूँ मॉम, तुम हो। अपने सपने मुझ पर थोप रही हो। ये मेरे सपने हैं क्या? तुम्हारे करियर के बारे में कह रही हूँ, जिम्मेदार बनो। मॉम फिर से शुरू मत हो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठकर मुंबई जाना है। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ विवेक। जब कोई तुम्हारे बारे में पूछता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, एक दिन आएगा जब आपको मेरी माँ होने पर फक्र महसूस होगा। अबे कल्लू, अंबानी जैसे अमीरों का बेटा होने के लिए किस्मत चाहिए। अगर कड़क प्लानिंग करे ना तो उनका दामाद बन सकते हैं। बस अकल होनी चाहिए और लड़की होनी चाहिए। अबे पहले 40,000 की सोच। मेरे पास आइडिया है, 40 लोगों से 1,000 मांगते हैं। 40 से मांगेगा? पहले एक का तो नाम बता। गाय तोंडे। तुझे उधार दे के मैं गंजा हो गया। तू तो दक्षिणा की थाल से भी पैसा ले जाता है। जो कोई तुझे देगा माल वो हो जाएगा कंगाल। चप्पल उतार के मारूंगी। यार ये तो गड़बड़ हो गई, दुनिया में कोई भी उधार देने के लिए नहीं है। कोई बचा हो तो देगा, अपन किसी को छोड़ा है क्या? मम्मी। अबे कोयले, कोई तो होगा जो मुझ पर यकीन करके अपने 40,000 खुद ही गंवा देगा। टप्पू स्वामी। योर काइंड अटेंशन प्लीज, पैसेंजर्स बोर्डिंग फ्लाइट IA957 टू अहमदाबाद। Someone's coming late. कितनी देर से फोन ट्राई कर रही थी, तेरा स्विच ऑफ आ रहा था। रात को चार्ज करना ही भूल गया। Come on, let's go ना। छोड़ यार, लाइट को जाके 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। हमेशा की प्रॉब्लम। तुम कब जिम्मेदार बनोगे? हाँ एक मिनट। Hey, next flight कब है? No way, bro. कोई भी खाली नहीं है। 31st है brother. Impossible. Okay, listen guys. अहमदाबाद से मुंबई है 500 किलोमीटर, अहमदाबाद से बड़ौदा, बड़ौदा से मुंबई बाय रोड हम 8 घंटे में शाम तक पहुँच जाएंगे। Come on, let's go. ये सही है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो फिर सोल्यूशन लेकर आ जाओ। जानता हूँ, चलो अभी। पहले
पहले तो जमीला जब देखो तब कस्टमर भेज देती थी, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक है कम्मो, अब जब मन करेगा काम, जब मन करेगा आराम। बस तू खुश रहे। किशोर फ्रॉम इंदौर। हाँ तो तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी लगी और तुम तो अमावस की चांद लगती हो और तू काली रात। तुम्हारा नाम? तुझे क्या बता भी तो चांदनी, बात करने में आसानी होगी। सरोज। सरोज मैं कम्मो। डबल सिम वाले मोबाइल नाम किसने पूछा? चार्जर चाहिए था इसलिए बताया। एक बात बताओ सरोज, तुम किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, मुंबई जाके क्या करोगी? वहाँ जाके मूंगफलियाँ बेचूंगी। तू क्या करता है? समाज में खुशहाली लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बदनसीबों के लिए, मंदिरों में जाके दान करता हूँ। मदर टेरेसा और ब्रदर नंद किशोर यही कहते हैं। मैंने गांव के स्कूल के ब्लैक बोर्ड को काले किया है, बिना खर्च के परवाह किए पुण्य का काम किया है, और उसके बाद अस्पताल में मैंने बांटे हैं 6 apple 5+1 सारे पेशेंट को मैंने बराबर बांट दिए। पर उसके लिए तो उन गरीबों के हालात को देखते हुए खटाखट काट के सारे पीस उनमें बांट दिए। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? आता हूँ, I'll come to the point, I'll come to the point, सरू। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्या करेगा? जिंदगी बना दूंगा सरू, रोज रोज नए प्रेमी के बजाय क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। यानी रोज एक ही मिलेगा? बहुत है। कुछ मेरे बारे में भी सोच। मिलावटी इंसान, मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? जब मैं सुंदरी से बात कर रहा हूँ तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। Keep quiet. सरू, तुम्हारे माँ बाप से मुझे कोई मतलब नहीं, जाति और धर्म से भी कोई मतलब नहीं, जायदाद और दहेज मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। That's only my desire. Yeah. क्या रे, मेरे से शादी करनी है? थोबड़ा देखा अपना? अरे तुम क्या बात कर रही हो, अभी भी हैंडसम लगता हूँ मैं, इतना मत भड़को, शांत रहो सरू। चल बहुत हो गया तेरा, भाग यहाँ से ठिंगने बुड्ढे। अरे मैं गबरू जवान हूँ, मेरी हाइट देखो, देख लिया ना? यस। नीचे उतर, नीचे उतर, उतर। ये क्या? चल बाथरूम के पास जाके बैठ। जाता है कि नहीं? मैया मैया आ जा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा मैया 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 आ जा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार। बड़े भाई, आपसे थोड़ी बात करनी थी। मैया 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 आजा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा यहाँ हम दुखी हैं, पैसे चाहिए तो थोड़े से। नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा यहाँ है दुखी, नगम्मा हमको कर दे सुखी, नगम्मा यहाँ है दुखी। 40,000 रुपए चाहिए थे। 40,000? बुढ़िया बीमार है क्या? तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी देने के लिए। पार्टी के लिए पैसे? तू पागल तो नहीं हो गया? अबे तू क्यों बजा रहा है, इसने पहले ही बजा दिए। लाइफ एंड डेथ का मैटर है बड़े भाई। ज़्यादा बोला ना तो यही गाड़ दूंगा 2 गज जमीन के नीचे। बड़े भाई हम कहाँ रहते हैं? क्या मतलब? हमारा एड्रेस क्या है? पाली हिल्स। पाली हिल्स? हाँ। अरे ये भी पाली हिल्स ही है, अमीरों की। और अपनी एक पाली हिल है, झोपड़पट्टी, गंदी बस्ती, और हम सब टपोरी लोग। तो क्या पूछ रहे हो आप? थू, कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। बस्ती में मरने वाले की क्या कीमत होती है? पाली हिल में मरने वाला फ्रिज में रहता है, और हमारे यहाँ घंटे में जला दिया जाता है। ये सब ना पैसे का खेल है बड़े भाई। तू क्यों जल रहा है यार? एक्चुअली बात यह भाई, पूजा नाम की एक लड़की है, पाली हिल्स में रहती है, उसकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ की है। एकदम माला माल पार्टी है, ऑलमोस्ट टाका भिड़ गया भाई। आप एक बार मदद कर देंगे ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। कर दो ना बड़े भाई। तेरा क्या फायदा इसमें? ये सेट तो मैं भी सेट, ये मालिक तो मैं, इसका ड्राइवर। कर दो ना बड़े भाई, कर दो ना। कुछ तो करो ना।
अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? मैं बैंक नहीं चलाता हूँ, मैं भजन पार्टी चलाता हूँ। प्लीज बड़े भाई, प्लीज प्लीज कर दो ना, कुछ कर दो ना। अच्छा राजू, ये बेच दे, ये गाड़ी मस्तान भाई की गाड़ी है, आपको खरीदनी है बेच दूंगा। हमने उसे केबल के पैसे नहीं दिए तो वो मेरी उंगली के पीछे पड़ा था। अगर आप उसकी गाड़ी खरीद लेंगे तो वो पता नहीं मेरा क्या क्या काट देगा। करेक्ट, समझ गया। अगर इतना पैसा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा। वैसे तू नहीं कर सकता। मत कराओ, चेन को खींचो। चेन, चेन खींचो, ट्रेन की चेन। औरतों के गले की लटकती हुई चेन बे, उसको खींचो। क्या बड़े भाई, औरतों की चेन ये क्यों खींचे? चुप, बता देता हूँ, अमीर बनना कोई खाने का काम नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए टेढ़ा काम करना ही पड़ेगा। अपुन की भी कोई रेपुटेशन है समझा, ये कोई चोरी वोरी नहीं करने वाला। अरे तो भड़क रहा क्यों है? अपुन टपोरी है, चोर नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मैं आइडिया दे रहा था, लेना है तो ले, शाम तक चेन लेकर आ जाऊंगा। ये क्या बोल रहे तू? मेरा वादा रहा, आधे घंटे में पैसे ला के दूंगा, पैसे तैयार रखना। ए राजू, एड़ा हो गया क्या? अच्छा सुन सुन सुन, क्या कर रहा है तू? मोटी वाली चेन मत खींचना। क्यों? बेचना मुश्किल हो जाता है। ओके अच्छा सुन 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 सुन, एक और बात है, पतली चेन भी मत खींच लाना, वो भी नहीं बिकती है। तुम भी आ जाओ। क्यों? खींचने से पहले नाप तो लेना। बाबा, किडनी कहाँ पर होती है? मुझे पता ही नहीं है। वो यहाँ इधर होती है। बाप रे, कैसे निकलेगी बाहर? आपने तो कहा था कि लोहा घुसेड़ कर निकालते हैं। लोहा नहीं पद्मा, डॉक्टर चाकू से निकालते हैं। बच्चू भाई का असल पैसा भी नहीं चुका पाता अगर मैं अपनी किडनी न बेचता। ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। गरीब आदमी का अपना बच्चा ही उसकी जायदाद है बेटा। मैं अनपढ़ था, मेरा लड़का अनपढ़ था, तू भी अनपढ़ ही है, तेरा बच्चा तो पढ़ लिख जाएगा। अगर पढ़ लिख गया तो दो वक्त की रोटी तो कमाएगा। ठीक है पापा, शानू को मैं बहुत पढ़ाऊंगी, उसके लिए मुझे किडनी नहीं, चाहे पूरा शरीर बेचना पड़े। लेके गड्डी के छत पे मत आ, नीचे बैठ। ओए अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अंदर बैठ नहीं तो उड़ जाएगा, बैठ। अबे ओए सरदार, मेरे बाप को क्यों खींच रहा है? हम लोगों ने तेरे को हरा दिया, अब क्या करेगा? रुक जा, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा तू? मैं ड्राइव कर रहा हूं। क्या कर रहा है तू? रुको ना। अरे क्या चल रहा है? अच्छा घर क्यों रहे हो? गस के पकड़ना गाइस। गो गो गो। Just shut up, okay? अरे कर क्या रहा है यार? विवेक तू बाहर हो गया क्या? विवेक की बोल रहा है। ठीक है ना? आराम से। आजू बाज़ आज़। विवेक। अरे यार। बच गया। अब किस तरह? बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए हाईवे छोड़ दिया जाए। एक्चुअली हमें रुककर उनकी मदद करनी चाहिए थी। वहाँ बहुत से लोग हैं, संभाल लेंगे।
What do you mean? मदद हम ही क्यों करें? कोई भी कर देगा। हाँ, कोई भी करेगा, पर हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ गाने गाएंगे। अबे यार, असली गोल्ड है या नकली है कैसे पता चलेगा? एक काम करें, मंत्री का घंटा चुरा लेते हैं। मंदिर से चप्पल चुरा लेते हैं? क्या? भिखारी के कटोरे से चिल्लर चुरा लेते हैं। मुझे 40 रुपए की जरूरत नहीं है, 40,000 रुपए की जरूरत है। कभी तो दिमाग चला। बचपन में स्कूल गया था तो ये दिन नहीं देखा। वाह 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 वाह, 40,000 बस स्टॉप पे अपना इंतजार कर रहा है। भाग यार, ये तो अपनी ले लेगी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बहुत ज्यादा। मेरा नेकलेस कैसा है? ऑफ कोर्स बहुत। शारजा जाने की और नए साल की मुबारकबाद आपा। थैंक यू थैंक यू आपा। अगर आप शारजा चले गए तो हमें पैसे कौन देगा? तुम्हारे बड़े दद्दू। किधर है बड़े दद्दू? किधर हूँ। एक बार और सोचिए आपा, आप मेरे साथ शारजा चलिए। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ बेटा। आखिर क्या रखा है यहाँ? मेरा बचपन, मेरी यादें, सब यहाँ पर है बेटा। अपने मुल्क से मैं भाग तो नहीं सकता। भाग तो मैं भी नहीं रहा हूं, बेहतर जगह जा रहा हूं। अब्बा, यहां जिंदगी महफूज नहीं, यहां हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं। यहां डर लगता है, डर खाए जा रहा है। डर है, जब इंसान डरने वाला होता है तो वो कहीं भी जाए उसे डर लगता है बेटा। जहां 10 हिंदू जमा हो जाएं, मुस्लिम डरने लगता है। अगर 10 मुसलमान जमा हो जाएं, तो हिंदू डरने लगता है। भीड़ की ज़हनियत। भीड़ की ज़हनियत? रहीम, जो पैदा नहीं हुआ उसे उन्होंने मिलकर मार दिया। मैं कैसे बताऊं? आपको क्या मालूम कि इसका दर्द क्या होता है? रहीम, मुंबई मैं आ गई। हेलो। चाहिए? बेड़ा गर्क हो तेरा। कमो चल ना, ये मुआ मुझे छेड़ रहा है। चेन भी ले गई। रिंग जा रही है, गोटिया उठा नहीं रहा है। ले पड़े उस गोटिया को, हमें यहाँ बुला के भाग गया। वापस फोन कर। जरा ये नंबर लगा दीजिए। ये सुनना, इधर सब लोग मेरे को ही क्यों देख रहे हैं? देखने देना, लोग हमें और फिल्म स्टार्स को देख के खुश होते हैं। बराबर। साहब, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ साहब, सीतापुर का रहने वाला। सुन, मैं नजदीक लेकर जाता हूँ, तू खींच लेना। क्या? मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। फट्टू कहीं का, खड़ी रहना। तू चला, अब बैठ। दिख डर मत, बस उसके पास जाना। चल 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 चल, आराम से आराम से। पास चल, पास चल, चल, चल। जल्दी आओ पूजा। चेन खींचना इतना आसान नहीं है बिड़ू, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अबे राजू, 3 गलतियां की तूने। पहली, बंगले के बजाय बस्ती में पैदा हो गया तू। दूसरी, चेन खींचने की प्रैक्टिस नहीं की। तीसरी, पूजा के माँ पर ही हाथ साफ कर दिया। थू! तुझे उस लड़की से प्यार है? वो तो सॉलिड चिकनी है। पटाने के लिए बहुत खर्चा किया। अरे तूने क्या खर्चा किया होगा? कितना किया?
तुझे बताऊं? और तेरा ताका कैसे भिड़ा? देख कल्लू, दुनिया में सिर्फ दो कास्ट होती है, एक उनकी वाली, एक अपनी वाली। एक रिच कास्ट और एक पुअर कास्ट। टाका भिड़ाने के लिए कास्ट की नहीं, कैश की जरूरत होती है। रोकड़ा। ओ तेरी, पूजा तो उठा ना। हाय बेबी। चोर हो तुम वहां स्टोर के बाहर कर क्या रहे थे? तुम्हारे लिए आया था। तुमने तो मेरी मॉम को डरा ही दिया। वो तुम्हारी मॉम थी? हम शाम को मिलने वाले थे ना, तो जल्दबाजी क्यों? तुम्हें देखने का मन किया तो। सो स्वीट। अरे हाँ, गले में रुमाल क्यों पहना था? एकदम मवाली लग रहे थे तुम। सॉरी। और तुम्हारे साथ वो कालिया कौन था? वो ब्लैकी, वो मेरा ड्राइवर था। एक्चुअली मैं उसे ड्राइविंग सिखा रहा था। क्यों मारा? सो सॉरी। कोई बात नहीं, जब शाम को मिलोगे ना तो मॉम को सॉरी बोल देना। या या श्योर। पासेस ले लिए ना तुमने? हाँ लेकर आ रहा हूँ ना, ऑन द वे। किससे बात कर रही थी? सरप्राइज, शाम को मिलवा दूंगी। 40,000 रुपए कहाँ से चुराए यार? ऐसी लड़की के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं बॉस, है ना? हाँ। चल बैठ, दूसरी एरिया में ट्राई करते हैं। देखना वो फोन ही नहीं उठा रहा है। पहले तू चाय पी। यात्री कृपया ध्यान दें, बैंगलोर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। अरे हाँ, तुम्हें ने फोन किया था ना? हाँ जी सर। तुम्हारा नाम राम बाबू है? जी भैया। यही है वो? यही है। ठीक है, आओ आओ। कम्मो, कहीं उसने इरादा तो नहीं बदल दिया? अब हमारा क्या होगा? बेकार में घबरा मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है। देखो राम बाबू, तुम्हारा नाम राम बाबू नहीं, विष्णु गोपाल राज सिंह है। यहाँ पर ये औरत तुम्हारी बेटी है, नाम है रेवती। तुम्हारे छोटे भाई का नाम शिव कुमार राज सिंह है और तुम उसके बेटे प्रताप सिंह के लिए किडनी डोनेट कर रहे हो, जो तुम्हारे बेटे जैसा है, समझे? ए लड़की, सुन रही हो ना? वो चचेरा भाई है, बोलना नहीं, कोई गलती नहीं। ओह शिट ब्रो, स्टेप ही नहीं है। है ना, लेकिन पंक्चर है। बुरे काम का बुरा नतीजा, वहाँ कार नहीं रोकी और यहाँ हमें खुद ही रुकना पड़ा। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, मैं जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, प्रॉब्लम हमारे साथ ही चल रही है। अरे अरे अरे, ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने ही पंक्चर कर दिया है स्टेपनी में। अगर सुबह टाइम पर आ जाते ना तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होता। तुम तो अब तक सुबह की बात लेके बैठी हुई हो। प्लीज गाइस, अब लड़ाई छोड़ो, सोचो आगे क्या करना है। प्लीज, किसी के पास कोई आइडिया है? यहीं पर टेंट गाड़ेंगे, उसमें तान के सोएंगे। ब्रो प्लीज ब्रो, स्टेपनी ले जाकर पंचर बनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पंक्चर कौन बनाएगा? हे लुक, अब कोई झगड़ा नहीं, ओके? ये सिर्फ हमारे सामने ही लड़ते हैं, ऐसे ही हैं। और पीठ पीछे कोई और ही कहानी चल रही होती है, क्यों? सही कहा ना? गाइस, एकदम सही। डोंट फाइट प्लीज। हे, तुम मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? हाँ? मैं नहीं लड़ती, तुम लड़ते हो। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम लड़ते हो। चढ़ाओ मत। अरे यार, फिर से नाराज हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझमें क्या नापसंद है? तुम्हारे गाने के बोल। क्या, क्यों? उसमें आत्मा नहीं है, दिल को नहीं छूते। वो मेरे डैडी ने लिखे हैं। मुझे पसंद इसलिए गाता हूँ, वैसे भी आज के लोग लिरिक्स के बारे में इतना सोचते कहाँ हैं। अच्छे गाने के लिए बोल भी अच्छे होने चाहिए। मतलब? जब शब्द अच्छे होते हैं तो म्यूजिक में ऑटोमेटिकली जान आ जाती है। अच्छा, मुझमें पसंद क्या है? तुम्हारी सिंगिंग। क्या सच में तुम गॉड गिफ्टेड हो? अच्छी आवाज, अच्छा म्यूजिक सेंस। थैंक यू। तो चलो तुम्हें एक गाना सुना ही देता हूँ। कल्लू रेडी रहे। आंटी बहुत भारी है। चुप कर, मुंह बंद, काम चालू। जा जा, भाई बला को टा। अबे आके खोल, आके खोल, आके खोल, ध्यान रख, ध्यान रख। ले 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 ले, हाथ मार, हाथ मार, हाथ मार। ले दो। अबे अरे जोर, अब भी फोन कर रहा है तू? कितना फोन किया तेरे को, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? इधर बुला के रखा है। ठंडा लेना। कैसे बैठे हम लोग प्लेटफॉर्म पे? अरे बात तो सुन, टायर पंचर हो गया था तो बनाने गया था, बस 10 मिनट में उधर पहुंच ही रहे। लाओ जल्दी आ। तू वहीं पर रुकना। कहां जाऊंगी? मैं आ रहा हूं। कभी नहीं सुधरेगा तू, पकाओ। आ रहा है मुआ, इसने तो मार ही डाला था, बड़ी जोर की लगी है। अभी आती हूँ।
ये मर्द और औरत के लिए है, मैं कौन से वाले में जाऊं बता? मेरे रिश्तेदार आ गए हैं। हाँ, बैठो। हाँ, बैठिए। नाम क्या है? भैया, इसका नाम रेवती है और मेरा नाम राम बाबू। रुको, मैंने तुमसे नहीं पूछा। हाँ तो तुम बहन, तुम्हारा नाम रेवती है ना? रेवती ना? रेवती। किडनी अपनी मर्जी से दे रही हो? मर्जी से। कहाँ रहती हो? कहाँ पर? वो क्यों किडनी बेच रही हो? मैंने पहले ही बताया था सर, मेरे भैया। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं साहब, नहीं, ऐसा मत करो साहब। ससुर जी, तुमने तो कहा था ये तुम्हारी बेटी है ना? हो गई। बिजनेस करते हो? ए, खड़े जाओ, गेट आउट। सर प्लीज, प्लीज। अरे हमारी, व्हाट प्लीज? शिराज। ए, क्या नाम है रे? इम्तियाज। शिराज कौन है? शिराज किधर है? जलाल कहाँ है? बोल। अबे रुक रुक, अबे कहाँ भाग रहा है? रुक रुक साले, कहाँ भाग रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है साले? कहाँ भाग रहा था? मार क्यों रहे साहब आप इनको? टेररिस्ट के साथ लिंक है इनका। बच्चे हैं सर, अभी तो ये पढ़ रहे हैं। टेररिस्ट से इनका लिंक कैसे हो सकता है? छोड़ो मुझे। फिर मुझे देखकर भागा क्यों ये? छोड़ो मुझे। हाँ, कोठे पर खड़ा से मैंने तुझे कहीं देखा है। नाम बता। नाम क्या है? रहीमुद्दीन कुरैशी। कुरैशी, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, पकड़ में नहीं आया इसलिए। इनके साथ क्या रिश्ता है? मेरे मामा के लड़के हैं ये सब। मामा के लड़के हैं? तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। प्लीज गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट? तूने ही गणेश उत्सव में बवाल किया था, तुम्हारा भी टेररिस्टों के साथ। कोई बवाल नहीं किया था सर, उस रोज मैंने अपना बहुत कुछ खोया था। अच्छा, नाजिर कहाँ है? कहाँ है रे नाजिर? आप बेकार का बवाल कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए सर। बवाल? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या हो रहा है यहाँ? क्योंकि कल हम शारजा जा रहे हैं ना, तो छोटी सी पार्टी है। शारजा? क्यों, वीजा कब मिला? कल। कल वीजा मिला, आज पार्टी है और नए साल में शारजा जा रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है सर, कोई गड़बड़ नहीं। आपको हर मुस्लिम टेररिस्ट नजर आता है, गड़बड़ इसमें। हाँ, क्योंकि वो वैसे ही दिखते हैं, तुम भी वैसे ही दिखते हो। चल पुलिस स्टेशन, लेके चलो सबको। चला, क्यों चला रहे? ए, किधर से आई है रे तू? राजन इसी के बारे में बोल रहा था ना? हाँ सर, इसी के बारे में। क्या रे, जमीला बाई के कोठे से तो राजन को सुना के भागी थी ना? चल चल पुलिस स्टेशन। नहीं, चल तुझे दिखाता हूँ। चल चल मेरे साथ। साहब हमें माफ। तेरे चक्कर में मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ? मैं माफ कर, इस बार मैं सच जैसा झूठ। अरे तू क्या बोलेगी? मैंने देख लिया, जिसने तुझे भेजा है ना, उसकी तो खांग उधेड़ूंगा मैं। छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी औरतें गायब कहाँ हुई? केबल पे सलमान की पिक्चर आ रही है। तो अब उन्हें बाहर कैसे बुलाएं? मिल गया 40,000। ये कुछ ज्यादा लोग नहीं है। सोना भी उतना ही है, तू गाड़ी चालू रखना। अरे बात मान, बहुत धूप देंगे वो लोग। चल। अरे उसकी टेंशन नहीं है, चेंज चाहिए। ए, कौन है बे तू? कितना खूबसूरत है ये तुमसे मिलकर जाना है, क्या मेरा साथ निभाओगी जिंदगी भर? किस में?
Hey. क्या चल रहा है? टायर पंक्चर हो गया, फ्रेंड्स उसे बनवाने गए हैं। लफंगो जैसे बाल, हाथ में गिटार, ये तुम्हारी सभ्यता है? ये छोरी कौन है? फ्रेंड बॉस। फ्रेंड है तो क्या, दिन दहाड़े चुम्मा लेगा? अरे बात कर रहे थे बॉस। बेवकूफ समझ रखा है क्या, हमारी संस्कृति का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। मंगलसूत्र पहना इसे। मंगलसूत्र नहीं तो राखी ला। अरे यार। ये ले। भाई साहब समझाइए। कौन दे राखी? मैं क्यों बांधूं? समझाइए ना प्लीज। तेरी तो। तेरी फंसे। तेरा बाइक चालू रखना। क्या कर रहा है कल्लू? बाइक स्टार्ट कर। चला जल्दी जल्दी चल। कल्लू मरवाएगा तू। चल 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 जल्दी चल। अबे चल बहुत मारेंगे लोग। चल 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 निकल निकल निकल। अबे भगा जल्दी भगा। अबे भगा जल्दी भगा। चलो उठ। सर सर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली सिचुएशन में हुआ क्या था। यू सी दिस गाय वाज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम द राइट। क्या चेंज? मैं क्या बोल रहा है? मैंने नहीं खींचा। चेन स्नैचर्स लगते हैं। लेकर चलो जीप में। सड़क मारे छोड़ू।
चल तेरी चूहे चल पाजी यहां से भागे तुम ठीक हो बेबी तुम ठीक हो इट्स ओके बेबी नाम बता कल्लू पान सुपारी क्या करता है पान पट्टी पे काम करता हूँ कहाँ रहता है पाली हिल झोपड़पट्टी तुम्हें क्यों पकड़ा हाँ क्या किया था तुमने कुछ भी नहीं किया है पुलिस वालों ने क्या भजन गाने के लिए बुलाया है ओए तो इतना सर ये जल्दी आ सर खड़ा रहे इधर सर नाम क्या है राजू सर राजू हाँ सर पूरा नाम क्या है केबल राजू ये कैसा नाम है केबल लगाता हूँ इसलिए केबल राजू बाप क्या करता है मर गया सर बचपन में हुरतीला राजन का केस है साला राजन तब बीच कुमड़ी में फटफट पड़ा रहा था दम है बाप का कौन रे लोग चेन स्नैचिंग केस है सर भागते हुए हमारी जीप को टक्कर मारी हलवा तो खा नहीं पाया ऊपर से दांत तुड़वा लिए हैं अब क्या करूं सर दांत टूटने का डर है फिर भी हलवा खाने का लालच नहीं छूट रहा मैं हलवा लगता क्या रे नहीं 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 सर तुझे से लोफर लोग को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर 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 ये मेरा फोन है सर सर ये मेरी लाइफ है सर मैं ले लूँ सर मैं उठाना जरूरी है क्या क्या जाने फोन नहीं उठाऊंगा तो मार डालेगी मुझे सर सर प्लीज सर सर फोन उठा लेता हूँ फिर आप चाहिए तो बंदूक से मुझे गोली मार दो सर सर प्लीज बात करता हूँ वरना बहुत मारेगी सर साइलेंस कर कर हाय बेबी हे स्वीटी कहाँ पर हो मैं हेड मसाज करवा रहा हूँ ओके एंजॉय और तुमने न्यू ईयर के पासेस लिए क्या ले लिए बेबी बाद में फोन करूँ तुम्हें ओके एंजॉय लव यू टू सर 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 तू तो रोड साइड रूम ही निकला रे बहुत अच्छा हाँ सर कितने दिन से ये धंधा कर रहा है बे तू जल्दी बता आज सुबह से ही सर तो चेन स्नैचिंग ही करता है कि मर्डर और किडनैपिंग भी नहीं नहीं सर हम ऐसे वैसी कोई हरकत नहीं कर रहे थे पैसों की जरूरत थी इसलिए थोड़ा सा अरे कोई मर रहा था क्या हाँ मेरे बड़े भैया टप्पू स्वामी डेथ बेड पर पड़े हैं सर आखिरी सांस आ गया आपन कौन मायसेल्फ स्वामी सर टप्पू स्वामी चैला तुम तो मरने वाले थे ना मरने वाला अब तक मरा हुआ था जिंदा हो गया हाँ माँ जी बोलिए एक मिनट माँ जी सर या माजी कौन है? की वाइफ को मैं माजी मैडम कैसे मैडम ठीक मैडम साहब जी बहुत दिनों से नहीं वो ठीक तो है ना हाँ मैडम वो चेन स्नैचिंग की बात है मैडम चोर तो मिल गए मैडम लेकिन वो चेन नहीं मिली मैडम हाँ मैडम मैडम तुम मैडम को कैसे जानते हो मैं उनके घर भजन सुनाने जाता हूँ ना कौन सा वाला भजन भजन वही जो हम मंदिर में गाते एक मिनट अभी सुनाता हूँ मैया 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 आजा नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार नगम्मा सुन ले पुकार नगम्मा हम हैं यहाँ रुकी नगम्मा कर दे सुखी भजन मैडम को सुनाना मैं जैसा ठिकाए मुझसे भजन गवा लेना भजन भजन है भोजन भोजन समझ गया सर आपको भोजन मिलेगा फुल मील बाहर खिला देना भरपेट सर चल जा चलो नालायको हाँ मैं बोल रहा हूँ फोन कर रहे फोन से चल ले ले हाँ पहुँच रहा हूँ अभी क्या है पैसा सर रहने दे उसको ए शाने ये फर्स्ट टाइम है तो छोड़ रहा हूँ वापस किया ना थैंक यू ए रसूल मात्रे अलग है क्यों नहीं आया सच में प्यार करते हो जानों की बहुत याद आती है बाबा मैंने सारे नाम और रिश्ते याद किए थे पर डॉक्टर के पूछने पर घबरा गई बाबा काश कोई किडनी ले ले तभी हम बच पाएंगे किसका दरवाजा खटखटाए किसी को जानते भी तो नहीं हमारी किडनी फिर भी हम बेच नहीं सकते चलो बस आ गई हाय
अरे रुको 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 भाई राम बाबू, कहाँ जा रहे हो? अरे काम बन गया? डॉक्टर साहब मान गए क्या? डॉक्टर साहब को मारो गोली, हमने अस्पताल ही बदल दिया। इस बार याद रखना, तुम्हारा नाम रेवती है, पद्मा नहीं, ठीक है? याद रखूंगी। ये लो नए कपड़े पहन लो। राम बाबू कपड़ा बुनते हो पर खुद नए कपड़े क्यों नहीं पहनते? घर बनाने वाला मिस्त्री बेघर होता है, मोची के पास कभी अच्छी चप्पल नहीं होती, गरीब के नसीब में सुख कहाँ बाबू। क्या रे चिकनी चमेली, पुलिस को चकमा दे रही थी? चकमा कैसा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने उसका उधार खाया और भाग। बकवास नहीं, दो कौड़ी में बिकने वाली बहस करती है। रसूल तूने राजन को इन्फॉर्म किया कि नहीं? दो कौड़ी में बिकती हूँ मैं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ और नौकरी पर नहीं जाती हूँ। पर आप ऐसे क्यों हैं? कैसा हूँ? डिग्री है, नौकरी है आपके पास, और तो और बदन पे यूनिफॉर्म भी है। लेकिन आपका बस चले तो अपने देश को भी बेच दे, है ना? साली तू क्या बोली, तू और मैं एक है, बेशरम कहीं की? मैं ही क्यों बेशरम? हम कपड़े उतार के बिकते हैं, तुम तो वर्दी पहन के बिकते हो। बहुत बोल चुकी, तेरी ये हिम्मत तेरे को अभी दिखा। ज़बान बहुत कैची जैसी चलती है। सर, तू इसको छोड़ दीजिए ना सर। तू भी चोर है, राजन ने बताया था तेरे बारे में फोन करके, बड़ा अजीब नाम है तेरा, क्या नाम है बता? कमला है मालिक। कमला, कमला बोले तो? हमारी जिंदगी कमल की तरह है, कीचड़ में ही खिलते हैं। तू कीचड़ में पैदा हुई और इसने समाज को कीचड़ बना रखा है। ये रसूल, इन दोनों का बंडल राजन को पार्सल कर दो। हो जाएगा सर। सर अगर आप हमें भेज देंगे तो राजन आपको क्या देगा? एक बोतल दारू की और बिरयानी बस ना। तो तू क्या देगी? सर मैं इधर अपना नया बिजनेस करूंगी, वो कमाई में से 25% हर महीना आपको दूंगी, पर जमीला के पास मत भेजो। आई शपथ का डीरिंग है रे, मुझे लगा वहां से भाग के तो कुछ इज्जत का काम करेगी, जिंदगी में आगे बढ़ेगी, लेकिन कुत्ते की तुम कभी सीधी होती क्या? ये रख लो सर एडवांस। क्या रे कमला टिप दे रही है? मेरे पास इतना ही है सर। सोने का क्या? ए मोरनी, अपने खूबसूरत रंगीन पंखों पर इतना घमंड मत कर, काट के रख दूंगा इसे। ए रसूल सुन तो। यस सर। ये कहाँ रहेंगे? जी सर। किसके साथ काम करेंगे? सर डिटेल लेके छोड़ दो इनको। ओके सर। बेबी तुम ठीक हो? हमसे जो एक्सीडेंट हुआ उसे हमने नजरअंदाज कर दिया, अगर सरदार जी ने भी ऐसा किया होता तो। हे, वो देखो। गीता ध्यान रखना, बेबी को चोट लगी है। वेरी सैड मैन, जिसको देखो गॉड 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 चिल्ला रहा है। आजकल हर कोई भगवान के नाम पे लड़ रहा है। आखिर भगवानों को लेकर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये सब भाषा का खेल है। अच्छा बताओ कैसे। ये क्या है? वाटर। तेलुगु में नीर, हिंदी में पानी, उर्दू में आप। तो फिर डूड गॉड भी ऐसा ही होता है, कोई उन्हें राम कहता है तो कोई उन्हें अल्लाह कहता है और कोई उन्हें जीसस कहता है। ये लोग अपने धर्मों के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लोग लड़ते हैं क्योंकि ये उन्हें पहचानते नहीं है। राइट। अगर पूरे संसार का एक मत और एक ही भाषा होती तो सिर्फ एक ही धर्म होता। वेल सेड ब्रो। देश से भागने की तैयारी है, भागने से पहले इनके साथ क्या प्लान बनाया है? आपने पहले से इरादा कर लिया इसलिए आप टॉर्चर कर रहे हैं, हम वैसे नहीं हैं। तुम सब एक जैसे हो। कुछ दंगाइयों के नाम पर आप पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। कुछ दंगाई? मेरे पास उनके संबंधों के क्लियर कट सबूत हैं। पता साले किसके साथ गया था? क्या कर रहे तू? साले किसके साथ गया था? क्यों इतना जुल्म? किसके साथ बॉर्डर क्रॉस किया था? बता, वो कुछ नहीं जानते।
तो तू जानता है। सर, आपकी वजह से मेरे जुड़वा बच्चे उसकी माँ की कोख में ही मर गए। उस रोज आपने मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। इन्हें भी मेरी तरह अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। 1 जनवरी को क्या प्लान है तेरा? बोल, बोल, बोल। ये मासूम है सर, छोड़ दीजिए इन्हें। हम नहीं मानेंगे। इन्हें कुछ नहीं मालूम सर। बताता क्यों नहीं? ए भूतनी के, कल नहीं आज, नया साल का दिन है, हजारों लोग मरेंगे। सिराज, ये क्या बकवास कर रहा है तू? सर ये पागल, कहां प्लान किया तूने? ये बौखलाहट पे कुछ भी बक रहा है। बोल क्या होने वाला है, बोल। समझे ना सर? बोल नहीं तो मार दूंगा। बोल। मारना, मार मार। तू तो सिर्फ एक को मारेगा पर आज हजार लोग मरेंगे। चुप कर सिराज। मार मुझे। कहां की प्लान किया? और मार, और मार मुझे, मार मुझे। बोल, बोल कहां ब्लास्ट होने वाला है? साफ साफ बोल। तू देख लेना किधर ब्लास्ट होगा। साले को उठा के एटीएस को दो और कंट्रोल रूम को खबर करो कि आज रात आतंकवादी कुछ करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन घंटे भर में निकालो, लौकर करा। हजार लोगों को मारना चाहते थे। मुझे समझ में नहीं, पर मुझे समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ, तू भी इनके साथ चल। चल, कितना टाइम लगेगा? बस आ रही है, लो चाय आ गई। ए सर को चाय दो, मैडम को भी दो, पैसे मैं दूंगा। ऐसा लगता है उधार लिया इनसे। मैडम चाय। ऑलरेडी 2000 रुपए अंदर कर चुके हैं साले। ए, बच्चे के खोने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए, बीवी भी गवाह के चले आए, यही हालत है। अच्छा चाय पिएगा? नहीं चाहिए। चेन तो चुरा लेते पर पुलिस की जीप से जाकर टकराए और यहाँ चले आए। एम्बुलेंस से नहीं टकराए, हॉस्पिटल में पड़े होते, छुटकारा मिल गया होता। मनहूस कहीं के। भैया यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माजी। बड़े भाई, आपने इसे क्यों बुलाया? तो पैसा कौन देगा? ये यहाँ क्यों आई? अब लेक्चर सुनना पड़ेगा। बहुत मेहनत से ये 3000 जमा किए थे, अपने लिए तो कुछ कर नहीं सका। अब कम से कम उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद मत कर। चलो भैया। ए, अपनी औकात में ही रहना चाहिए। मैं डफली बजाता हूँ, भजन गाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे भक्ति फिल्मों का म्यूजिक डायरेक्टर बना दे। ये भी कुछ ऐसा ही है। कहाँ तू टपोरी, कहाँ वो महलों वाली। ए, सपने देखने के लिए भी पैसे चाहिए। ए, तू चुप कर, इस फसाद की जड़ तू ही है। ना ये फंसता, ना मुझे यहाँ छुड़ाने आना पड़ता। अब मैं जा रहा हूँ मजनू, मुझे माँ जी को भजन सुनाने जाना है। अब क्या करें? बोलना। किसको कॉल कर? हेलो बेबी। पूजा, कहाँ पर हो? अर्जेंट मिलना है, तुमसे बात करनी है। अभी? हाँ अभी। ओके, घर आ जाओ। ए गोटिया। हाँ बोलना, क्या कहा उसने? कहेगा क्या, सोने की चेन गई और हर महीने सरोज 25% भी देगी। तू टेंशन काहे को लेती है, बस कुछ ही दिनों में ऐसा धमाल मचाएंगे कि तो राज करेगी। तेरी तो है, सब तेरी वजह से ही हुआ है। टाइम पर आता तो ये सब होता ही नहीं। बॉस बुलाएंगे मेरी जूती। और तेरे पास वो चेन किधर से आई? अरे जब ट्रेन से उतर रहे थे तो मैंने वो चेन बटले से उतरवा ली थी। हमारे किशन भगवान ने अब उनको बचा लिया। इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भगवान भगवान नहीं होता है। अगर होता तो ये दिन ना देखते। चल बैठ। हाँ, मेरा नंबर किसने दिया? हाँ, पहचान गया, बोलिए। हाँ, मेरे पास भी एक झकास आइटम है, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, जिंदगी भर याद करोगे मुझे। अपना काम कितना अजीब है ना। यस डॉक्टर, बाद में मिलता हूँ। क्या नाम है आपका? रेवती सर। रेवती। हाँ, ये मेरे पिताजी विष्णु गोपाल राज सिंह, ये मेरा छोटा भाई है शिव कुमार राज सिंह। मैं अपने भतीजे प्रताप सिंह के लिए किडनी देने आई हूँ। सब ठीक है क्या? तुम मर्जी से किडनी दे रही हो? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, इस पर साइन कीजिए। अंगूठा चलेगा सर? नर्स, इनका थंब इंप्रेशन लेकर ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए। ओके डॉक्टर। आप सर इधर आइए। आपने कुछ खाया है? नहीं। ठीक है, आप आइए। मैं जाऊं? तुम चिंता मत करो पद्मा, डॉक्टर लोग बेहोश करने के बाद छोटा सा चीरा लगाते हैं, ठीक है ना? उस समय शानू को याद कर लेना। हाँ ठीक है। रेवती जी आइए। अरे जाओ ना, घबराओ मत, जाओ। राम बाबू, ऑपरेशन खत्म होते ही पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा पोता स्कूल भी जाएगा भैया। अबे तू यहां क्यों आया? यार मैं उसके सामने सच नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर चलते हैं।
नहीं यार, आज आर्यपाल, आज मैं सच बता के यहां से जाऊंगा, लेकिन डर लग रहा है। तो फिर क्या सोचा? तू बताएगा? किसको? पूजा को। अरे बेड़ो काय को ऐसा कर रहा है तू? फिर से फंसाएगा तू मेरे को। नहीं नहीं, तू चल यहां से, चल चल, मेरी बात मान, चलते हैं यहां से, चल। मेरी लाइफ में तेरे अलावा और कोई है क्या? पहले मुझे सिर्फ उसके पैसों से ही प्यार था, पता नहीं कब सचमुच हो गया। अब मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूं, लेकिन कठिन परिस्थितियों की वजह से। क्या बोला? कठिन परिस्थितियों की। भाई जरा हिंदी में बात करेगा क्या? ये हिंदी है येड़े। राज कहाँ है स्नूपी? उसे मेरे बारे में थोड़ी सी सच्चाई बताना। समझ गया, मस्तान का पैसा लेकर भागा, फिर औरत की चेन खींची और फिर पुलिस ने पकड़कर मारा। साले कल्लू, पूरी सच्चाई नहीं, अच्छी सच्चाई बतानी है। जैसे हमारे पास पैसा नहीं है, केबल टीवी, बस्ती, ठीक है ना? ओके ओके। हे, तुम राज के ड्राइवर हो ना? राज कहाँ है? उधर छुपा है। मरवा दिया कल्लू ने। हाय। हे बेबी, क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना था ना? एक्चुअली पूजा। हे बेबी, क्या हुआ? तुम्हारी मॉम को मिलने से पहले मुझे कुछ। सब ठीक हो जाएगा, मॉम तुम्हें पसंद करेंगी। मॉम इज वेटिंग, आई विल सी यू टुनाइट। राजू, तू तो गया काम से। भाई भाई, राजू भाई, 40,000 रुपए चाहिए। अबे ये क्या, सब तो खत्म था, फिर पैसे क्यों चाहिए? किस साले ने किसको इन्वेंट किया? ये कभी नहीं सुधरेगा। कहीं से भी 40,000 लेकर आऊंगा। सुनो बेटा, इंसान ने पैसे बनाए ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सके, लेकिन आज पैसों ने ही इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। शांति वाने इसमें है। साधु महाराज, ये तुम्हारे जीने का तरीका है। चर्च गेट में चर्च नहीं है, गोभी के फूल में गोभी नहीं होता। ऐसी बकवास बातें मैं भी कह सकता हूँ। राजू बोल बच्चा, खिचड़ी इसे खिलावे, खाएगा? मेरा भी दिल मचल रहा है। तू भी ना। लाल छड़ी, चल मैदान में चले क्या? चल। हम भिंडी बाजार के पास हैं सर। वहाँ पर कड़ी नजर रखो। यस सर। किसी पर भी शक हो तो उठा लो। यस सर। क्या है बे? वो मजहब के नशे में चूर है और आप इंतकाम के नशे में। पता नहीं हम जैसों को इंसाफ कहाँ मिलेगा। टेररिस्ट तो दोनों तरफ है। मैं तुझे टेररिस्ट लगता हूं और तू तो जैसे बहुत ही मासूम है ना। दुबई भागने की प्लानिंग थी ना? कैसी लाइफ है तेरी, पता नहीं बदकिस्मती तेरे पीछे चल रही है या तू बदकिस्मती के पीछे भाग रहा है। पहले बच्चे खोए थे, अब जिंदगी खो देगा। क्या देख रहा है, भागना चाहता है क्या? Oh, my God.
हमारे लायक और कोई सेवा हो तो बताना। तुमने अच्छा काम किया। सिर्फ आंखें किडनी लेते हो और कुछ नहीं चाहिए? लालच मत करो, चलो। ठीक है सर, फोन कीजिएगा। राम बाबू ख्याल रखना अपना। ठीक है बाबू। राम बाबू जी, मैंने 40,000 देने का वादा किया था। हाँ भैया। ये रहा मेरा खर्चा 3,000, ये लो, बाकी पैसे पकड़ो। ये क्या भैया, आप तो 40,000 देने वाले थे। और खर्चा, मैं अपना खर्चा ना लूं? तुमने नए कपड़े पहने, तुम कार में नहीं घूमे, पैसा तो लगता है ना भैया। भैया ये पैसे नहीं है भैया, मेरे पोते की जिंदगी है, मुझ पर दया करो। जितना कहा मत करो, उतना पूरा पैसा दो। नौटंकी मत करो साहब, पैसे ले लो, इसे छिपा कर रखो, लोग देख रहे हैं। रखो रखो, इसे बांध कर रखो, अस्पताल पास में है, ऑटो करा देता हूँ, आराम से जाना। चल कल सुबह मैं अस्पताल आऊंगा। हमेशा देखती हूँ कस्टमर हमको ऊपर से नीचे तक देखेगा, लेकिन कभी आँख में झांक के नहीं देखेगा। छी, ये आदमी गधा होता है। जानती है ये गोटिया है ना, ये मुझे भी घूरता है। मुझे कोई काम नहीं मिला जो मैं तुझे घूरूंगा। क्यों, इसमें क्या कमी है? कमी नहीं है, सब ज्यादा है। नमस्ते सर। आ जाओ। वो वाली नहीं है सर, ये। मैं भी कम नहीं हूँ भाई। अंदर है। क्या लाया रे गोटिया? पतली कमर वाली? अरे जमीला, तेरी चिड़िया मिल गई। पिंजरे में बंद कर ले। यादव सही आदमी है, सरोज को निचोड़ लेगा। अच्छा सुन, मुझे वो नहीं चाहिए, उसके पैसे तो मुझे भेज दे। पैसे किस बात के हैं? तेरी चिड़िया मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ ना, क्या बोलता है गोटिया? भाई अब तू मेरा लड्डू मुझे ही खिलाएगा, नया बिजनेस शुरू किया गया। नहीं मालूम था भाई कि आपके आइटम है। अरे कभी ना कहीं का, अगर इस साले को मेरे बिजनेस में कांग आता है। भाई बात ये हुई कि सीधा बात करना, माफ कर दो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। अरे अबे हिरनी, बच के भागना है तो तेज भागना चाहिए, नहीं तो शेर पकड़ के खा जाता है। छोड़ दो उसे यादव जी, वो गोटिया इसे एड़ा बना कर लाया था। हमने गोटिया पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन वो तो यहाँ से दुम दबा कर भाग गया। तू आम लड़की नहीं आइटम है। मेरी बात सुन, वो गोटिया मुझे तेरे पास लेकर आया था ना, अभी वो भाग गया। तू ये मान कि मैं खुद तेरे पास आई, हम बिजनेस साथ में करेंगे, जमीला को बीच में मत लेके आ। 25% तेरा भी रख। 25%? तू पार्टनर नहीं है, मार्केट में बिकने वाली चीज है, जैसे दाल चावल चीनी वगैरह। मैंने तुझे जमीला से खरीदा है क्या? हेलो सर, नया माल मिला एकदम कोला पीस, आप देख के पागल हो जाएंगे।
अरे जरा सुनिए, आप रेवती के पिताजी है ना? अब कैसे है वो भैया? वो बात कर रही है, आप मिल सकते हैं, जाइए। बड़ी मेहरबानी जी। या बेबी, कहाँ हो बेबी? मैं जरा शावर ले रहा हूँ। पार्सल ले लिया ना? पूजा, इतनी परेशान क्यों होती हो? After all, it's just 40,000. हो जाएगा। राज? और क्या? कहाँ ना हो जाएगा? मैं ले आऊँगा। ओके। ओके बाय। बाय। पद्मा, पद्मा। एक हजार ज्यादा मांग लेते, शानू के पास कपड़े नहीं है, उसके पास एक ही जोड़ा है। बहुत दिनों से एक जोड़ी चप्पल मांग रहा था वो। मगर उसने पहले ही हमें 3,000 कम दिए। बच्चू भाई मानेगा क्या? तू चिंता क्यों करती है पद्मा? चाचा, यहाँ जमीन पर पड़े पैसे आपके? पैसा? हाँ। मेरा कहाँ? ससुर जी, क्या कर रहे हो? छोड़ो। ससुर जी! ये क्या, मेरे पैसे? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ये पैसे बहुत मुश्किल से मिले हैं, सब्र करो। बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो पैसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा ये पैसे। पैसे मत करो, मत करो मंसूर खान, तुझसे भी डेंजरस, संभल कर रहना। आपस में कोई प्लान मत बनाना। घूरता क्या रहता है बे? तेरी आंखों में मिर्ची ठूस दूंगा। लक्ष्य ठेवा याचावर। हो साहिब। इस मुल्क में सारे मुसलमानों का यही अंजाम होता है। आपका नाम क्या है? सारे चुपचाप बैठना। चाकू किसको दिखा रहे? सरोज, हमको कुछ नहीं हुआ तुझे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ए, रोको, रोको, रोको। मैंने कुछ नहीं किया, वो वैन वाले ने टक्कर मारी। देखो। माय गॉड, शी इज प्रेग्नेंट। हॉल कर। आराम से। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहा है? दरवाजा खोलो। लेट हो रहे हैं। ये प्रेग्नेंट है, दरवाजा खोलो। हम मरवाएगा ये। जल्दी। दिमाग खराब हो गया इसका। हॉस्पिटल चलो। Excuse me? Yes, ma'am. Can you give me the details of the life party? Yeah, sure. Party will start at around 8:30, ma'am. Okay. What about the passes? How many are you? We are two. Okay. Have a good time. बच्चे की जिंदगी का सवाल है, हमारा आखिरी सहारा है। Hope you have a good time, ma'am. Sure. Your passes, ma'am. Thank you.
सर प्लीज सर फॉर सिंगल और कपल सर कपल सर कैन आई टेक द मनी सर तैयार नहीं हुआ तुमने पासेस लिए या नहीं बेबी मैं कुछ पूछ रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है राज मेरा नाम आनंद राज है लोग केवल राजू बुलाते हैं मुझे तुम्हारे पीछे जो बस्ती है वहां रहता हूं पूछ जब से मैं तुमसे मिला तुम्हें इंप्रेस करने के लिए जो भी मैंने कहा है उसका हर एक शब्द झूठा था What? मैं घटिया इंसान हूं मैं बस आज तक तुम्हें फंसाता आया हूं पूजा इमरजेंसी है डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर राउंड पर गए हैं इंतजार कीजिए कितना इंतजार करना होगा 10 मिनट कितना टाइम हुआ 1 घंटा हुआ डॉक्टर डॉक्टर इसे देखिए क्या हुआ है चाकू मारा है बहुत खून बह गया है चाकू मारा है पुलिस कंप्लेन लिखवाई पुलिस कहाँ से आ गई बीच में इसे डॉक्टर चाहिए क्या हुआ डॉक्टर एनी प्रॉब्लम ये एक पुलिस केस है सर चाकू मारा है सर वो मर जाएगी वो बोल रहा है पुलिस को बुलाओ देखिए हम पुलिस कंप्लेन होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं देखिए सर वो अनाथ है मैं आपको पैसा दूंगी देखिए यहाँ पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फॉर्मेलिटीज की बात सर उसका इलाज कर दीजिए मैं आपके एहसान मंद मैं आपको इतना समझा रहा हूँ आप समझती नहीं है आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पहले पुलिस में कंप्लेन लिखाइए फिर आइए सर अब क्या है आपके साथ सो जाऊंगी अब जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हम पे दया कर दीजिए नॉनसेंस क्या बकी जा रही हैं आप मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं आप जाइए डॉक्टर कम ऑन खरा सोना है इसे ले लो और मुझे बचा लो ये नहीं जानती जिंदगी जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और ये कीमत चुकाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है नर्स अल्लाह अकबर रहमान रहीम ए इधर जा रहा तू ये हमारे मजहब का है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इफ़हल मुजाहिद अल्हम्दुलिल्लाह पार्क में या मॉल में अगर बम लगाते तो कुछ ही लोग मरते और कुछ घायल होकर अस्पताल पहुंचते अगर अस्पताल में बम लगाएं तो अभी से 2 घंटे बाद पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा होगा पर कोई नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हादसा होने वाला है आज तेरे लिए नई जिंदगी है जिंदा रहे
और भाग जा। रहीम, तुझ में आग बहुत है, ये आग जिहाद के लिए इस्तेमाल कर। सब चला गया, शानू का क्या होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। अब हम क्या मुंह लेकर गांव जाएंगे, इससे अच्छा तो जहर खा के यहीं पर अपनी जान दे दे। पापा, हमारा पैसा। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। तेरा बेटा अब आजाद हो जाएगा। बाबा यहाँ ही। पद्मा, भगवान है, शानू स्कूल जाएगा, जरूर जाएगा वो स्कूल। सुनिए, आपके पास कोई और नंबर है क्या? एक ही नंबर है। Yeah. Hey, तुम लोग कहाँ हो? हाँ, कुछ इंतजाम करके आते हैं, हम पहुंच जाएंगे। You don't have much time. तुम्हें जल्दी आना होगा, ओके? All right. देखिए, हमें अर्जेंटली जाना है, काफी इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए अब क्या करें, हमारा फ्यूचर इसी शो पर डिपेंड करता है ना। सॉरी, हम आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। सर, आपको थर्ड फ्लोर पर बुलाया है, लिफ्ट वहां पर है। मात्रे, ओ साहिब, नीट लक्ष्य ठेव। ओ साहिब, मुझे खबर करते रहना। ठीक है साहिब। सर, मेडिकल शॉप किधर है? उस तरफ है। ए, रुको। ये चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? वो मैं बैडमिंटन खेलते खेलते गिर गई थी। चलो, संभल के, आराम से। कौन सा बड़ा है? शायद ये वाला। ए भाई, ए भाई, रुको रुको रुको, रुक जा, रुक जा, वहाँ पर खतरा है भाई, वहाँ पर। ए भाई, अरे छोड़िए, देखिए कौन जा रहा है। सर, बच्चा मर जाएगा सर। कांस्टेबल्स, चलो। Oh,
अरे क्या हो गया? चाचा यहाँ ये उठाओ, उठाओ इसे, उठाओ तुम्हारा पैसा है ये, उठाओ, उठा लो, संभाल कर रखना, बांध दो। माफ कर दो बहन। उठो जल्दी, उठो उठो, भागो यहाँ से। अंदर अंदर दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, बंद कर। चल चल भाग, भाग यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो, गाओ। सर, मैंने मंसूर खान और दो और को देखा है, कई मर चुके हैं। किस तरफ? इस तरफ। चलो सब, नया ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है सर, सबको वहीं ले जा रहा हूं। Thank you.
मुझे पहचाना? सुबह मिले थे पुलिस स्टेशन में, हमने बातें की थी, भजन पार्टी वाला। भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा सबको कर दे सुखी, नगम्मा वो वाला। हम यहां से निकलकर न्यू ब्लॉक में जाएंगे, मेरे साथ आओ। उस तरफ चलो। बच्चे को मेरे पास कुछ नहीं होगा। अच्छा आओ, देखो जाओ, आ जाओ चलिए, आ जाओ। बेबी बेबी निकलो यहां से, भागो, क्विक क्विक भागो। सर उठिए, उठिए, चलिए यहां से। साइलेंस, सब चुप हो जाओ। अल मुस्लिमो बल सालिवल मुस्लिमों ना बिल्ली सामी ही दी वैदी। मत कर रहम, मत कर, मार जमीर मार। हमारा मजहब फसाद नहीं सिखाता, अमन की तालीम देता है। ऐ मुसलमानों, हम वतन परस्त हैं, हम गद्दार नहीं। ये तुम्हें बहका रहा है, अपने जमीर को जगाओ। कौन सा खुदा इंसानों को मारने के लिए कहेगा? ये जिहाद के लिए। जिहाद का मतलब बेगुनाहों को मारना। अरे अरे, कैसे मुसलमान हो तुम, कैसे मुसलमान हो तुम लोग जो कर रहे हो, वो अल्लाह को भी मंजूर नहीं है। अगर यही जिहाद है तो मारो, हम सबको मार दो, मार डालो। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, जिहाद बिस्मिल्लाह, अल्लाह। जिंदगी की तो फाट लग गई यार। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिंदगी भी कैसे कैसे अजीब खेल खेलती है, इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है कि कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है।
खुश नसीब होते हैं ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे उनका नाम रोशन करके अमर हो जाते हैं। उनकी आंखों में चाहे आंसू दे जाएं, पर उनका सर फक्र से ऊंचा कर जाते हैं। His grandfather, Mr. Kantilal Chakravarti, his father, Mr. Vikram Chakravarti, fought for the Indian Army. Now, India found hero from the same family, that's Mr. Vivek Chakravarti, who saved several lives and left everyone with nothing but tears. और कोई बिगड़ी किस्मत खुद संवारता है। अब क्या करेंगे हम? स्टेशन से जो भी पहली ट्रेन छूटती है उसे पकड़ेंगे और वो जहाँ खत्म होगी वहाँ जाएंगे। वहाँ पर गुजारा कैसे होगा? मौत से बच के आए हैं, ईमानदार और इज्जतदार जिंदगी गुजारेंगे। छोटा सा तो पेट है, भर ही जाएगा। आजा, अब कोई अब उनको परेशान नहीं करेगा। आजा, रोज खुद की कंपनी का सपना पूरा होएगा। गोटिया, सांड के आगे कभी नहीं चलते, सींग मारता है। गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए, लात मारता है। तेरे जैसे कमीने के साथ तो कभी नहीं चलते। कभी कभी प्यार खोने के बाद ही उसकी अहमियत समझ में आती है, और कभी कभी जिसका प्यार हम जिंदगी भर पाने की कोशिश करते हैं वो हमें हमारे मरने के बाद ही नसीब होता है। हमेशा ये बोलता था कि अमीर लोग मरने के बाद दो तीन दिन फ्रिज में क्यों रखे जाते हैं। ये भी यहां तीन दिन से बर्फ पे पड़ा है, ये तो मरकर भी हीरो बन गया। कौन कहता है कि ये मर गया है? ये मरा नहीं है, ये अमर हो गया है। अमर रहे आनंद राजो, अमर रहे आनंद राजो, अमर रहे आनंद राजो, आनंद राजो। शानू, बेटा शानू। दादा, बस 35,000, बाकी के 15,000 कौन देगा? अगर बच्चा चाहिए तो पूरे पैसे रखो। ए बच्चू, हद हो गई अब, जितना है वो बहुत है। क्या कहा? बहुत जबान चल रही है तेरी। खाता देख और खुद लगा हिसाब, देख लगा हिसाब। मैं हिसाब किताब नहीं जानता। हाँ तो रख, 15,000 और रख। दादा, मैं हिसाब जानता हूँ, मैं लोन का इंटरेस्ट निकालू क्या? 50,000 का 2% सूद के हिसाब से बता। 50,000 में से 0 कटा तो 1,000, तो 30 महीने का 30,000 दादा। 30,000 ये ले, चल शानू। बच्चू भाई, आपने उसे जाने क्यों दिया? बड़ी जल्दी हिसाब लगा लिया, जाने दे इसे, स्कूल जाने दे। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, पर गरीबी को बहाना नहीं ताकत बनाकर जीना सीखो।